हेलो दोस्तों, अभी हमारे पास एक ये चाइना टीवी मैक्स कंपनी का आया हुआ है बनने के लिए। इसमें आप ये फॉल्ट देख सकते हो, ये वर्टिकल का फॉल्ट है। तो इसको देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टीवी को खोल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हो मैंने टीवी को ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद ये जो फॉल्ट है दोस्तों, या तो यहाँ योक कॉइल से आया होगा। ऊपर आप जो देख रहे हो ये वाला कॉइल, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, इसको योक कॉइल बोलते हैं। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के लिए कॉइल बने होते हैं। जो पिक्चर को जो वर्टिकल रहता है वो ऐसे ऊपर की ओर फैलाता है, और हॉरिजॉन्टल वाला लेफ्ट टू राइट फैलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऊपर से नीचे किसी चीज़ को खींचा जाए, लेफ्ट टू राइट खींचा जाए, तो एक स्क्रीन फ्रेम आपको बनकर दिखाई देगा। तो वो काम ये करता है। तो अभी आपका जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है वो सही काम कर रहा है, मतलब पिक्चर की फुल लेंथ आपको दिखाई दे रही है, लेकिन हाइट दिखाई नहीं दे रही है। हाइट आपको ऐसा छोटा और रिफ्लेक्स लाइन आ रही है, तो अभी हम उसको देखेंगे कि उस किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो या तो इसमें वर्टिकल सेक्शन फेल है, या फिर ये कॉइल ख़राब होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको बाहर निकाल कर। दोस्तों इसमें ज़्यादातर इसमें जो लगते हैं फिल्टर स्टेप से बड़े वाले, वो ख़राब होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा इस साइड, यहाँ पर जो है आप इस साइड से अगर देखोगे तो एक यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पास से, ये देखिए ये थोड़ा डैमेज मुझे लग रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इस कैपेसिटर को बदलते हैं। ये यहाँ पर जो लगी हुई है आईसी, आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाली आईसी, ये वर्टिकल की आईसी है। और वर्टिकल आईसी के लिए ये इसका सबसे मेन जो पावर सप्लाई का फिल्टर है, तो ये फिल्टर है। तो इसकी खराबी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और ये थोड़ा सा फूला हुआ नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको बदल कर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे निकालने के लिए किट को पलटी करता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ वहाँ से, ताकि इससे मुझे पलटी करने में दोस्तों इसे फ्रेम से मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। मैं इसे खोल देता हूँ। अब आप देख सकते हो मैंने किट को पलटी कर लिया है, और इसको वो फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है ये वाला, तो मैं आपको उससे निकाल कर दिखाता हूँ। दोस्तों आप इस कैपेसिटर को देख सकते हो, ये पूरी तरीके से डैमेज है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके वैल्यू देखिए 35 वोल्ट का होगा, ये 1000 माइक्रोफैरेड 35 वोल्ट। और ये यहाँ से आप देखोगे इसका टॉप जो है ऊपर ऐसे फूल गया है कैप, और ये आप नीचे से भी देख सकते हो ये पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। ठीक है, तो ऐसे कैपेसिटर को ख़राब माना जाता है। अगर आपके पास सही कैपेसिटर रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सही कैपेसिटर, आप इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो। इसका जो टॉप है वो फ्लैट है, एकदम फ्लैट है, और इसका टॉप आप देख सकते हो थोड़ा सा उभरा हुआ है, उठा हुआ है, जैसे पहाड़ी नुमा ऐसा, तो ये ख़राब है। और आप बैक साइड भी देख सकते हो, इसका जो है ये बिल्कुल फ्लैट है, और इसमें तो बहुत ज़्यादा ये टॉप इसका खुला हुआ है। आप ऐसे कंपैरिजन करोगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो मैं अभी इस कैपेसिटर को बदल कर देखता हूँ, फिर तो देखेंगे आगे कोई और फॉल्ट होगा इसमें तो। ठीक है, तो दोस्तों ये तो मैं आपको बस दिखा रहा था, ये 25 वोल्ट का है, तो मैं ये नहीं लगाऊंगा, 35 वोल्ट का ही लगाऊंगा दोस्तों। तो आप तो ये देख सकते हो मैंने ये नया एक रखा हुआ है मेरे पास में,
1000 माइक्रोफेरेट और फोकस नहीं हो पा रहा है मैं। आप ये देख सकते हो कैपेसिटर को, ये जो है 1000 माइक्रोफेरेट और 35 वोल्ट का है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर लगाएंगे। सबसे पहले मैं सरफेस को क्लीन कर लेता हूँ सोल्डर वायर की मदद से, ताकि ये जब मैं पीछे से फिट करूँ तो डिस्टर्ब ना करें। अब ये मैंने इसको क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो पाउच को दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, मैंने कैपेसिटर वहाँ से निकाला था इस जगह पर। आप अगर ध्यान से देखें तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये इस टाइप से एक सिंबल बना हुआ है, और नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये राउंड जो बना हुआ है वो कैपेसिटर के लिए एरिया डिसाइडेड है ये वाला, और इस पर आप ये जो ऐसे ग्रेस लाइनें देख रहे हो यहाँ पर, ये आपको माइनस को बताता है। मतलब आप इस जगह में जो फिल्टर कैपेसिटर लगाओगे इस टाइप का, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहलाता है, ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक, और इसमें प्लस माइनस लगा देख कर ही लगाना पड़ता है। मतलब ये पोलर कैपेसिटर है, इसको आप अगर उल्टा लगा दोगे तो ये ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ख़राब हो जाएगा ये। तो बेहतर है आप इसको सही डायरेक्शन में लगाओ। तो सही डायरेक्शन के लिए कंपनी ने यहाँ पर सिंबल बनाया है। अब देखिए, ये कैपेसिटर की लोकेशन है, आपको कैपेसिटर को इस जगह पे लगाना है। इसके ये दोनों होल हैं और यहाँ पर ये दोनों होल हैं, और इसके बाद आपको ये जो ग्रेस लाइन है इस पर इसको माइनस को लगाना पड़ेगा, और इस साइड जो है ब्लैंक है इस पर प्लस को लगाना पड़ेगा। कैपेसिटर पे आप कैसे पहचानोगे प्लस माइनस, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी दो पहचान है, एक तो आप ये देख लीजिए, इस पर ये माइनस बना हुआ है, तो माइनस जिधर बना हुआ है वो वाली पिन जो होगी इसकी माइनस होगी, तो अपोजिट डायरेक्शन सीधी बात है कि ये प्लस की होगी, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं लिखा है ये प्लस की लाइन, और जहाँ पर ये माइनस सिम्बॉल बताएगा, ये ऐसा हर कैपेसिटर पर होता है। देखिए मैं आपको पुराना भी दिखा दे रहा हूँ, इस पर भी बनाया हुआ है, ये देख सकते हो आप। तो ये माइनस बना कर देगा, और जो अपोजिट वाला रहेगा पिन वो प्लस का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस सिंबल है, तो ये हो गया आपका माइनस पॉइंट, और इधर कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस पॉइंट। अब इसके बाद आप प्लस माइनस देख लिए, तो अब इसको उसी डायरेक्शन में हमको लगाना है। दूसरी पहचान मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी लंबाई को आप ध्यान से देखिए, पिन की लंबाई, जो पिन बड़ी होगी ये वाली पिन आप देख सकते हो बड़ी है, तो ये प्लस की लाइन, जो पिन छोटी होगी वो माइनस की लाइन। आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हो, ठीक है। और अगर कभी ये कट जाए तो आप इसको यहाँ से देख के लगाओगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको अब यहाँ पे लगाने वाला हूँ, आप देखिए प्लस माइनस को देखकर, ये यहाँ पर मैं इसे लगा देता हूँ ऐसे। देखिए मैंने इसको फिट कर दिया, अब इसको हमको फोल्ड करना है पीछे से, फिर एक्स्ट्रा तार को हम काट लेंगे। दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा मोड़ देता हूँ ताकि ये भी अपनी वजह से ना हिले, और इसके बाद हम लोग इसको सेट कर देते हैं, यहाँ पे सोल्ड कर देंगे, ठीक है। ये मैंने इसकी पिनों को सोल्ड कर दिया, ये आप देख सकते हैं। सोल्ड करने के बाद अपन इसकी जो है एक्स्ट्रा जो लेग्स निकली हुई हैं इसको काट देते हैं, ताकि ये किसी और के साथ शॉर्ट ना करे। ये मैंने इसकी दोनों पिनों को काट दिया है, और एक बार इस टीवी को फिर से हम लोग ऑन करके देख लेंगे। इसको ऑन करने से पहले थोड़े से इसके कनेक्टर जो हम लोगों ने निकाले थे वो मैं एक बार लगा देता हूँ, इसके खासतौर पे सेंसर वाले पॉइंट को। ये मैंने सेंसर का लगा दिया, और ये मैंने की का भी लगा दिया, आप देख सकते हो मैंने लगा दिया है इन दोनों को। और बाकी तो यहाँ पर अभी ठीक है फिलहाल, इसको भी मैं लगा देता हूँ उसकी जगह पर। ये ऑडियो वीडियो का था, और एक बार हम टीवी को ऑन करके देखते हैं कि अभी क्या पोजीशन है, अगर कोई और फॉल्ट रहेगा तो अभी हम शॉर्ट चेक करेंगे, इससे पता चल जाएगा हमको। इसे ऑन कर रहे हैं, दोस्तों मैंने टीवी को ऑन किया है, थोड़ी देर में ये टीवी चालू हो जाएगा। आप यहाँ सामने से देखिए दोस्तों, आप मिरर पे लगे रहें बिना, मेरे पास लगे रहें बिना।
आप देख सकते हो टीवी ओके हो गई है, हमारी स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार इसे ऑफ करके सामने से आपको दिखाता हूँ। आप दोस्तों, मैंने टीवी को ऑन कर दी है, आप यहाँ से देखिए पावर सप्लाई इसकी एलईडी जल रही है और आप देख सकते हो इसमें वेलकम वेलकम लिखकर आ गया है और पूरी स्क्रीन फुल आ गई है, वीडियो अभी चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार आप इस वर्टिकल फॉल्ट को दूर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने वीडियो को देखा। लाइक करें, कमेंट्स करें दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू, धन्यवाद।